आप सभी को नमस्कार। आज एक अलग से टॉपिक के साथ थोड़ी सी बातें करेंगे। उस टॉपिक का नाम है वैल्यू ऑफ मार्क्स। यानी अंकों की महत्ता। अंक किस टाइप के अंक, यानी हमारी जिंदगी में हमेशा माँ बाप, पेरेंट्स, टीचर्स हमेशा ऐसे ही हमारे पीछे पड़े रहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा अंक प्राप्त करो, ज्यादा से ज्यादा अंक प्राप्त करो, ज्यादा से ज्यादा नंबर लो। उसी के बारे में बातें करेंगे हम कि क्या वो वास्तव में सही कह रहे हैं या खाम खा हमारे पीछे पड़े हुए हैं। तो उसी टॉपिक के ऊपर बच्चों आज हम 2-3 मिनट बातें करेंगे आपके साथ के मार्क्स की क्या वैल्यू है। अब हम एक छोटी सी पॉइंट बताते हैं आपको। जैसे हम जेबीटी के ऊपर बात करेंगे, कई बच्चे जेबीटी करते हैं। कई बार क्या होता है, एक बच्चे के आए 65% मार्क्स और एक के आए 64% मार्क्स। जो 65 वाला बच्चा है उसका गवर्नमेंट स्कूल में या गवर्नमेंट डाइट में एडमिशन हो जाता है, जिसकी मुश्किल से फीस लगती है 1,000 रुपया। और जिसका सिर्फ 1% यानी एक नंबर कम आया था, उसकी फीस लगती है लगभग 40,000 रुपये। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक मार्क्स कितने रुपए का पड़ा। 39,000 रुपया की एक मार्क्स की वैल्यू बनी, 39,000 रुपया। और भी ऐसे बहुत सारे टॉपिक है, जैसे बीएड करते हैं, बीएड में भी ऐसे होता है, या मान लो किसी सरकारी जॉब का रिजल्ट आता है तब भी ऐसी बनती है। मान लो किसी के 83% नंबर है, वो लग जाता है लेक्चरर, और जिसके 82.9% है, शायद वो बेचारा घर पे रह जाए। जो भी वो काम कर रहा है, खेती कर रहा है या रेहड़ी लगा रहा है या प्राइवेट स्कूल में लग रहा है, वो जो का तो रह जाता है सिर्फ एक मार्क्स के कारण। उसकी लाइफ में कितना चेंज आ गया कि वो 60,000 रुपये लेने लग गया, और वो जिसका एक नंबर कम आया था, वो जो का तो बेचारा घर पे रह जाता है। ये तो एक छोटे छोटे उदाहरण थे जो सिर्फ पैसे के मामले थे। इससे भी बड़ा एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जैसे हम IAS की परीक्षा देते हैं, जिसका सीधा संबंध अपना क्या लगता है, DC डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। इसमें भी ऐसे ही होता है, 1200 अंकों की लगभग परीक्षा होती है, जिसके मान लो 800 आ गए, वो तो सीधा IAS बन गया यानी DC बन गया। DC की वैल्यू आप समझते हो, DC क्या है, पूरे डिस्ट्रिक्ट का मालिक होता है, आगे पीछे काफी सारी गाड़ियां चलती है, हर चीज वो अपने सिस्टम के हिसाब से अपने डिस्ट्रिक्ट में लागू कर सकता है। एक बच्चे के आए, दूसरे कैंडिडेट के आए, यानी 799 अंक, वो सिर्फ एक अंक के कारण वो पीछे रह जाता है, जिसके कारण वो उसका इतना बड़ा पद, उसकी इतनी बड़ी महत्वाकांक्षा बिल्कुल मतलब जीरो स्टेज पर आ जाती है। उसी तरह वो भी वही जो काम कर रहा है, बेचारा प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा है या कोई और काम कर रहा है, दुकानदारी कर रहा है या रेडी लगा रहा है, वो जो का तो कहां एक मतलब DC बन जाता है एक नंबर से, और कहां एक नंबर से वो कितना पीछे चला जाता है। इसलिए बच्चों, एक एक अंक की वैल्यू को समझो, एक एक अंक को प्राप्त करने के लिए अपनी जी जान से मेहनत करो। इसलिए प्यारे बच्चों, जो हम ये ऑनलाइन जो क्लासें लगी हुई है, घर से पढ़ाओ अभियान जो चला हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से, और जो अध्यापक साथी जी जान से जुटे हुए हैं, तो उसमें भी आपको पूरा भरपूर सहयोग करना चाहिए। हर प्रकार का सिलेबस अच्छे ढंग से पूरी वीडियोस को देखना चाहिए, और उन वीडियोस को देखकर आपको समझना चाहिए कि एक एक अंक की वैल्यू कितनी है, एक एक अंक कितना महत्वपूर्ण है। अगर आप इन वीडियोस को नहीं देखेंगे, थोड़ी सी जरा सी पढ़ाई नहीं करेंगे, अगर 2-4 अंक से पीछे रह गए, तो आपके साथ भी वही हो सकता है जो मैंने इस वीडियो में बताया। धन्यवाद।